केंद्र सरकार के हिट एंड रन को लेकर बनाए गए नए कानून के विरोध में नए साल के पहले दिन बस ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर उतर गए हैं, जिसमें यात्रियों की फजीहत हो रही है। सोमवार को हड़ताल से अनजान कई यात्री बस स्टैंड पहुंच गए, जहां कई घंटों तक अपने गंतव्य तक जाने के लिए वाहनों का इंतजार करते रहे। उल्लेखनीय है कि खरगोन मुख्यालय से रोजाना करीब 400 बसें संचालित होती हैं। रोजाना यात्रियों और बसों की आवाजाही से गुलजार रहने बस स्टैंड परिसर पर दिन भर वीरानी सी छाई रही। सभी प्राइवेट बसों के ड्राइवरों ने बसों को चलाना बंद कर दिया और हड़ताल शुरू कर दी। बसों के सड़कों पर न आने से यात्री सड़कों पर नजर आने लगे। बस स्टैंड पर कई यात्री ऐसे थे जो मजदूरी के लिए अन्य जिलों में गए थे। रात के समय वाहन न मिलने से बस स्टैंड तक तो पहुंच गए, लेकिन यहां से अपने गांव तक पहुंचने का साधन नहीं मिला। बस चालकों का कहना है कि नया कानून चालकों के लिए फांसी के फंदे के समान है, इसमें बदलाव जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। कहाँ जा रहा आप? बुरहानपुर। क्या साधन नहीं मिल रहे हैं? नहीं, आप मालूम नहीं था ना ये लग जाएंगे था। तो कहाँ से आए हो? गुजरात से। कौन कौन है साथ में? ये तीन जन है। यहाँ कब पहुँचे थे? सुबह अभी 9 बजे। उधर से आने का साधन मिल गया? हाँ। यहाँ से क्या व्यवस्था कर रहे हैं? गाड़ी बुला ही रहा है। मोटर साइकिल से? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? लालू। हम सीढ़ी से आए और बस नहीं मिल रहा अभी। हम सीढ़ी से आए और यहाँ से बस नहीं मिल रही। कहाँ से आ रहे हैं? सीढ़ी से। कहाँ जा रहा हूँ? गिरनिया। अभी क्या परेशानी आ रही है? अभी बस नहीं मिल रही। क्या नाम है? रायमन। अरे भाई साहब, मेरे को इंदौर जाना था, लेकिन आज जा नहीं पा सकता 3 दिन तक। नहीं, एक जरूरी काम से था, जाना था। और हमारे गांव तक भी बसें नहीं जा रही है। तो जैसे पढ़ने वाले बच्चे, कोचिंग वाले बच्चे जैसे खरगोन आते हैं और बाहर जाते हैं, वो भी नहीं जा पा रहे हैं। काफ़ी समस्याएं हो रही है। अभी तो 3 दिन और समस्याएं चल रही, वो बंद रहेगा, इसलिए अब क्या कर सकते हैं। समस्याएं तो है। बस दशरथ राठौर बोले। क्या परेशानी आ रही? मेरे बच्चे को, बच्चे की तबीयत खराब इंदौर में है, तो उसको मैं देखने जा रहा हूँ। मैं बियल गाँव रहता हूँ। इंदौर जाना? हाँ, इंदौर जाना। मेरा साधन कोई साधन ही नहीं, मैं घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, ये 2 घंटे हो गए मेरे को। अब ये तो मेरे को मालूम नहीं है, तो मैं गरीब वर्ग से मजदूर आदमी हूँ। अब कोई प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री बन गया उसके लिए हम, ये तो उनके लिए चक्कर में हम परेशान हो रहे हैं ना। ये वाहनें सब बंद हो गई है, ये बेचारे सब लोग गरीब आदमी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? लखन सावले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।